हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए। जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए। आंखें हैं जैसे मैके प्याले भर। मजेदार बात की है, चौधरी का सांड, सांड हो। अच्छा, जुल्फों पे उनके फोकस किया है और चांद हो पे नजरों पे। मैं चौधरी के चांद पे अपना वेट कर रहा था। नहीं, मैंने कहा वो फिर ज्यादा हो जाता ना। यानी कि तीनों मर्द हजरात की जो खूबसूरती है आज हमारे कैमरा मैन ने वो हाईलाइट किया, मुझे इग्नोर कर दिया कि भाई ए कौन है, ए कौन है, आप कौन है, ये कौन है जिसे पहले नहीं देखा। एक मूवी थी उन्होंने, चमक चलो गया वो भी। हाँ, एक कौन, म्यूजिक। वाकई भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर जाग रहा है, मैं देख रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने एक और महेश भट्ट की मूवी का प्रोजेक्ट किया है, वो क्या चक्कर है बताएं? जन्नत आपको याद होगा, उनकी एक फिल्म आई थी, उसका सीक्वल है, इट्स कॉल्ड ब्लड मनी। अच्छा, पहले तो जन्नत 2 का नाम, नाउ दे हैव चेंज्ड इट टू ब्लड मनी एंड वी हैव डन 3 सॉन्ग्स इन द साउंड ट्रैक। ओहो, माशाल्लाह, वेरी गुड सॉन्ग्स, वेरी कैची सॉन्ग्स एंड आई थिंक इट्स अबाउट टू रिलीज इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी। अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, इट्स ऑलमोस्ट डन, एडिटिंग हो रही होगी, सब कुछ हो चुका है, इवन द फिल्म इज रेडी। द प्रोमो वाज सपोज्ड टू कम आउट विद मिशन इम्पॉसिबल 4 एक्चुअली, सो आई थिंक द प्रोमो इज ऑलरेडी आउट, बट द फिल्म इज गोइंग टू बी आउट, द म्यूजिक इज गोइंग टू बी आउट इन जनवरी। नाइस। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बात करवाती हूं, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम इरम, ए प्लस मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम इरम जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है हम। अटक में मौसम कैसा है? बहुत सर्द है, आज तो बादल छाए हुए हैं। अच्छा, अल्लाह करे हो जाए बारिश, यहाँ तो हो ही नहीं रही। इरम, इरम मैं आपके साथ एक बड़े मजेदार फैक्ट शेयर करूँ, मेरा पूरा बचपन अटक में गुजरा हुआ है। वाह, आप जुनैद भाई, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपका जब ये सॉन्ग आया था ना पुलिस से पड़ती हो गया, जी जी, ये हम सबको बहुत अच्छा लगता है और हम लोग लगा के इससे खूब हल्ला गुला करते हैं। और जब मैंने आपको देखा है तो मैंने कहा, मैंने अभी टीवी ऑन किया और शो चल रहा था तो मैंने फौरन से कॉल मिलाई है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरम। अच्छा बैंड बैठा हुआ हमारे पास, और मैंने फर्स्ट टाइम किसी शो में कॉल की है। वाओ, थैंक यू म्यूजिक। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वो वाला गाना मुझे सुनाएं। कौन सा? वही जो पुलिस से पड़ती हो। अच्छा, और रोजन बैंड भी हमारे साथ है, उनसे कुछ कहेंगी? उनको भी मैं बहुत सारा सलाम और बेस्ट विशेस, और मैं कहूंगी कि हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और अल्लाह इनको बहुत ज्यादा कामयाबियां अता करे और जिंदगी दे, और ये हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। वाह जी वाह, क्या बात है, थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। हाँ जी, पुलिस तो मैं सुनाता हूँ, लेकिन ये जहाँ से इन्होंने कॉल की है, मैं इट्स राइट नेक्स्ट टू कामरा, एक बेस है मेरे वालिद कामरा लव कामरा, सो वो बेस था और हम मतलब ऑलमोस्ट मेरा पूरा चाइल्डहुड वहाँ पे गुजरा, तो बड़ा अच्छा सा लगा। मतलब है कि ये आप कॉल करती रहा करें, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने पहचान लिया है? मुझे पहचान लिया, मेरे पिन से है जी। पुलिस करेंगे रिक्वेस्ट इनकी पूरी पहले। हाँ जी, दस्ती समान निकल रहा है इरम के लिए, है ये
परती हो पुरसिच परती हो गया मैं पुरसिच परती हो गया वो मौज माता पास सा मैं मौज माता पास सा मैं सिद्धोई अवसर हो गया मैं पुरसिच परती हो गया मैं पुरसिच परती हो गया पुरसिच परती हो गया मैं पुरसिच परती हो गया इतनी दफा सुन लिया है मगर मैं से बोर नहीं होती हर दफा सुन के उतना ही मजा आता है बस यही हमारे गानों की बात है कभी खत्म नहीं होते और बहुत लोग को पसंद है तो पुलसी आप से बहुत खुश होते होंगे जुनैद हाँ एक्चुअली इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना चाहिए था लेकिन यूजुअली क्या होता है लोग वो पुलिस वाले बड़े वेलकमिंग है इसके ऊपर और वो कहते हैं पहली दफा जिंदगी में हमारे ऊपर किसी ने गाना बनाया फौज पे फलाने वरना उनके खिलाफ ही बन रहे होते हैं वरना उनके उनके ऊपर गाना बना ही नहीं जिसमें कभी पुलिस मेंशन हुआ हो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी तो पहली दफा था ये बात है ठीक है एन जते एन जी सही रोजन बैंड का जो बेसिक रुझान है म्यूजिक की लगता है कि जरा रोमांटिक और सॉफ्ट और सोलफुल की तरफ है नहीं ऐसा नहीं ये झूठ है वो शक्ल हिला रहे हैं रोमांस की तरफ तो नहीं अभी तक हिट हुए ना रोमांस की तरफ थोड़ा नहीं लेकिन यस आई थिंक सोलफुल इज द राइट वर्ड सोलफुल म्यूजिक रोमांस रोमांस क्रेजी गाना करने का मूड है हाइपर सा क्रेजी या ये पल्स टाइप कोई Next album, yes, we have a couple of songs, very Achha, crazy songs. Oh, Rosen ke liye specially phone aaya hai. Call le lete hain. Assalamualaikum. A plus morning. Ji, waalaikum salam. Ji, kaun baat kar rahe hain? Ji, main Mehtab Hussain aur Agzai Agency Kalai se. Aur Agzai Agency se baat kar rahe hain. Kaise hain aap? Theek thaak hain, bhai? Allah ka kehne mein. Kya kehna chahenge? Itne khoobsurat mehman baithe hue hain yahan pe. Rosen Band. जी मुझे मुस्तफा जायद से बात करनी है जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप जी वालेकुम सलाम अल्लाह का करम है बताइए क्या कोई सवाल पूछना चाहेंगे जी मुझे एक फरमाइश करनी है जी बताइए मुस्तफा जायद से जी जी बताइए जी वो हमारा पन वाला गाना है आखिरी गाना वही गाएंगे ठीक है भाई खुश वो गाना तू फिर आओ मुझको रुलाओ ठीक है तू फिर आओ मुझको रुलाओ ठीक है भाई आपको रुलाते हैं अभी सफर करो थैंक यू जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया फोन का और एजेंसी से यार हाँ हाँ मैंने से पूछा नहीं पश्तो में बात करेंगे पश्तो में बात करते हैं लो चूटी पटाने साथ ना अभी कुछ कह दूं अच्छा चलो अभी कह पैगाम पैगाम दो जे शो क्लोज करू न ब्या बता गाना उरू और डेरा मजा बराजी ठीक थे शायर दस्ती तैयार रखा हुआ है आप इस बात अच्छा हाँ मैं कोई बम मुझे तैयार रखा हुआ है नहीं 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 मुझे तो बड़ा मजा आता है जब भी फ्रंटियर से कोई कॉल करता है या किसी भी मुझे आई डोंट नो जस्ट आई जस्ट लव द पीपल मैं आपके नंबर दे दूंगा फ्रंटियर रियली पीपल आर वेरी वेलकमिंग वेलकमिंग इतने हॉस्पिटेबल हैं वो लोग मुस्तफा अब वहां हालात बेहतर हो गए हैं वो सीन नहीं रहा जो पहले रोज बम फटता था नहीं ऑफ कोर्स अल्लाह का बहुत एहसान है शुक्र है अल्लाह का करम है और अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान में अमन रहे हमारा तो ख्वाब है हमारा ख्वाब पढ़ा लिखा बन जाओ I could not help saying that, ठीक है? अच्छा। तो और मुझे पीछे से कान में कह रहे हैं इतना हंसते नहीं। भाई क्या करें हम हंसते हंसते ही अच्छा खैर anyway serious note पे हाँ जी तो आप कोई funny music हम बात कर रहे थे कि करना चाहते हैं कोई funny या उसका title बता दें यार हमने because a lot of people call us Roxen आप जी बहुत से लोग समझते हैं कि Roxen ही Roxen है कि rock बहुत करते हैं कि Roxen Roxen band के नाम है तो हम लोगों की album में अगली album में गाना है जो के इसी टाइटल पे हमें रोजन रॉक्सन नहीं कहना ओहो क्या बात है नाइस 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 रॉक्सन एक बाहर का बैंड है अच्छा तो बाहर के बैंड्स में किससे इन्फ्लुएंसेस हैं ज्यादा आप लोगों पे अच्छा सवाल किया आपने ब्रायन एडम्स और बॉन जोवी अच्छा और कोई और नाम सोचने थे YouTube Life House Life House
Even a lot of people said Uberstank, we sound like Uberstank initially, if you remember. Uberstank एक दम से आके बहुत हिट हो गया था, अब कहीं गुम गया ना थोड़ा सा Uberstank. Uberstank का एक गाना famous है जो बाकी music struggle करते नहीं है. Reason सिर्फ एक गाना उनका मेलो है, बाकी सारे के सारे गाने उनके rock and roll तेज गाने हैं उनके और बहुत ही हैदर और शाहान से पूछना चाहूंगी कि अक्सर बैंड्स में यूं होता है कि ऑब्वियसली जो वोकलिस्ट है उसको ज्यादा अटेंशन दी जाती है या लाइमलाइट उस पे होती है ऑब्वियसली क्योंकि वो वॉइस ऑफ द बैंड है ना, ठीक है. म्यूजिशियंस भी जाहिर बातें होते हैं मगर जिस तरह अक्सर वोकलिस्ट इंटरव्यू पे खुचला जाता है, अब तो ये आपको साथ भी लाए आप, बल्कि आप दोनों इनको साथ लेके आए, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए दोनों का. शुक्रगुजार हूं. ऐसे तो नहीं होता कभी कि कोई अंदर से कोई एनवियस फीलिंग हो कि यार मैंने भी ज्यादा सामने आ. नहीं ऐसा तो नहीं होता. इनफैक्ट कभी-कभी तो क्या होता है, कभी-कभी तो ऐसे भी होता है कि कहते हैं यार मैंने नहीं जाना यार मुस्तफा यार आप अकेले ही चले जाओ, इस तरह तो कोई इशू नहीं है. आपका क्या ख्याल है? हम लोग के मतलब वैसे भी मुस्तफा के भी इस तरह से नहीं है माइंड, तो मतलब अंदर पहले अगर आप खुद ठीक हैं तो फिर बाहर से लोग आपके साथ सही रहते हैं, अदरवाइज बाहर वाले लोगों के ये प्रॉब्लम होता है. आई थिंक वैसे भी मुझे तो मजा ही तब आता है जब पूरा बैंड साथ बैठा हो, आप बातें भी कर सकते हैं, फ्लेवर भी देखे ना कितना बैंड है, हर साइज का फ्लेवर है आप. अच्छा, आई थिंक मोस्टली वोकलिस्ट जो है वो जरा ज्यादा वो एक्सट्रोवर्ट होता है और बाकी बैंड मेंबर्स थोड़े से फेस ऑफ द बैंड होता है, फेस ऑफ द बैंड होता है, तो एंड आई थिंक एक वोकलिस्ट को होना भी चाहिए, होना भी चाहिए फॉर द ऑडियंस. बाकी तो आई थिंक उस हवाले से मुझे ये बताएं कि आप मिकाल हसन बैंड के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? क्योंकि आपने कहा ना वोकलिस्ट फेस ऑफ द बैंड होता है. वो वाहिद बैंड है जिसमें वोकलिस्ट का पता ही नहीं चलता कभी कौन सा कभी कौन सा, और मिकाल हसन गिटारिस्ट है. नहीं उससे पहले भी एक रियाज अहमद खान साहब वो कवाल थे, वो फिर जावेद बशीर और आजकल असद अब्बास. अच्छा अच्छा, तो वजह मेरे ख्याल से उनका म्यूजिक भी तो ऐसा ही है. दिस इज व्हाट दे इंटेंड टू डू. दे आई थिंक मिकाल प्रोबब्ली वांट टू एक्सपीरियंस एंड वर्क विद डिफरेंट आर्टिस्ट बिकॉज़ दिस इज द काइंड ऑफ म्यूजिक दे डू. बाकी तो इट्स हिज कॉल, बाकी तो अल्लाह मालिक है. नहीं मैंने बड़ा अच्छा सवाल पूछना इनसे, मुझे ये बताएं कि अभी पूछ लें ब्रेक के बाद. वो कह रहे हैं ब्रेक के बाद कोई बात नहीं, ब्रेक के बाद जो नेद से वापस आएंगे और बल्कि ओपनिंग भी फिर यही करेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है. सो ए प्लस मॉर्निंग.